7. Assalamu alaikum. Hope you all are good in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is prose of your English book, Fetching the Doctor. पेज नंबर बच्चों आप निकालें पेज नंबर 38. तो कल हमने इसी ये जो प्रोज थी इसके हमने टेक्स्टुअल क्वेश्चन किए, आज इसी का हमने लैंग्वेज वर्क करना है. तो लैंग्वेज वर्क में हमारा पहला क्वेश्चन जो है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ए वर्ड फ्रॉम द लेसन इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. यहाँ पर ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं इस लेसन में जिनको अंडरलाइन किया हुआ है, तो उनकी जगह क्या करना है, हमने उनकी जगह अंडरलाइन जो वर्ड है उनको यूजिंग ए वर्ड फ्रॉम द लेसन इन प्लेस ऑफ ए अंडरलाइन वर्ड्स. अंडरलाइन वर्ड्स जो किए हैं इनकी जगह पर हमने लेसन में से ये जो वर्ड ये जो मतलब सेंटेंस आए हैं वर्ड आए हैं वो इस्तेमाल करने हैं. तो यहाँ पर क्या है, पहला पार्ट है हमारे पास, द लालटेन वॉज मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड. आप पेज नंबर 38 पर देखें बच्चों, लास्ट वाली फोर लाइन से इसी पेज की यहाँ पर अंडरलाइन हुआ हुआ है, मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड, मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी पार्ट वन का मैंने आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, द लालटेन वॉज स्विंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड. ये लालटेन क्यों झूल रही थी, क्योंकि वहां पे बहुत तेज हवा चल रही थी, इसी वजह से ये हवा क्या हो रही थी, झूल रही थी ये हवा इस लालटेन को. सेकंड पार्ट है हमारे पास, हैमलिन वॉज ग्रेटली सरप्राइज वेन ही वॉज अवेकनेड सडनली फ्रॉम स्लीप अवेकनेड सडनली को अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है, किटी द यंग मेयर कवर्ड द डिस्टेंस इजीली. तो यहाँ पर वो जो किटी थी, वो घोड़ी जो थी, वो छोटी घोड़ी जो थी, इसको पता था कि ये आसानी से इस डिस्टेंस को कवर कर लेगी. पार्ट नंबर थ्री है, हैमलिन चूज ए पर्टिकुलर हर्स बिकॉज इट वॉज नून नेवर टू फेल. नून नेवर टू फेल जो है इसका यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका है आंसर, हैमलिन वॉज ग्रेटली सरप्राइज वेन ही वॉज रोस्ट फ्रॉम दी स्लीप. हैमलिन को क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ, हैरान हो गया जब वो अचानक नींद से उठा. पार्ट नंबर फोर है, ही गॉट एम्प्लॉयड इन द आर्मी. हैमलिन चूज ए पर्टिकुलर हर्स बिकॉज ही वॉज नून नेवर टू फेल. तो इसका आंसर है बच्चों, हैमलिन चूज ए पर्टिकुलर हर्स बिकॉज इट वॉज डिपेंडेबल. उसने उसी महसूस उस घोड़ी को क्यों उस घोड़े को पसंद किया, क्योंकि उसको पता था कि ये ऐसा कर सकती है, ये ठीक है. अब पार्ट नंबर फोर है, ही गॉट एम्प्लॉयड इन द आर्मी एज ए पर्सन कैरिंग मैसेज. यहाँ पर ए पर्सन कैरिंग मैसेज को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका आंसर है, ही गॉट एम्प्लॉयड इन द आर्मी एज ए मैसेंजर. तो ये जो लैंग्वेज वर्क में था, री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ए वर्ड फ्रॉम द लेसन इन द प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड. ये जो इस्तेमाल किए गए, ये जो सेंटेंस इस्तेमाल किए गए अंडरलाइन वर्ड्स की जगह, तो इनको क्या हो गया, कम्प्लीट कर दिए. तो लैंग्वेज वर्क था हमारा, इसका ये जो पार्ट था ये आज हमने कम्प्लीट किया. तो कल इंशाल्लाह इसी ये जो स्टोरी है, प्रोज है इसके, फिचिंग द डॉक्टर, इसका कल हम ग्रामर वर्क करेंगे. तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज.